क्योंकि यदि आप 2x को माने हैं t, तो यहाँ पे ये लिमिट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिमिट कैसे चेंज हो जाएगा, यदि x इक्वल टू जीरो उसमें मान पुट करिए तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x इक्वल टू पाई बाई टू तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन पूरा चेंज कर दीजिए, आई वन इक्वल टू जीरो से लेकर पाई लॉग साइन टी, ये जो हो गया, और डी एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई टू। अब टू कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लीजिए, वन बाई टू जीरो से लेकर पाई लॉग साइन टी इंटू डी टी, ये हो गया। तो अब ये फाइनली जो हो गया आपका आई वन इक्वल टू वन बाई टू जीरो से लेकर पाई लॉग साइन टी डी टी, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, आप उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई टू जीरो टू इंटू पाई बाई टू, ये पाई को हम टू इंटू पाई बाई टू लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये हो गया लॉग साइन टी डी टी हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी काम करेगा, देखिए प्रॉपर्टी जो है आपका यहाँ पे देखिए, ये क्या था, जीरो से लेकर, यदि जीरो से लेकर टू ए, जीरो से लेकर टू ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू टू इंटू जीरो से लेकर एफ ऑफ एक्स, यदि एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स रहे तो ये हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी जो था, जीरो से लेकर टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स यदि रहे तो क्या हो जाता है, टू इंटू जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है, कब, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स रहे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन रहेगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा। यदि जीरो, जीरो किस कंडीशन में होगा, यदि एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स रहे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन टी है, ठीक है, यहाँ पे साइन टी है, और यहाँ पर टू ए, टू के टू ए क्या है, पाई, टू ए यहाँ पे टू ए इक्वल टू क्या हो गया, पाई हो गया, समझ गए ना। तो अब देखिए ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ये लॉग साइन टी है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स करके देखिए यहाँ पे, तो एफ ऑफ टू ए, टू ए के जगह पर क्या है, पाई माइनस एक्स है, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका लॉग साइन, लॉग साइन पाई माइनस टी, पाई माइनस एक्स की जगह पर टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग साइन टी। अब देखिए यही कंडीशन आ गया ना कि एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, टू इन टू हो गया जीरो से लेकर ए पाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई इंटू टी एक्स, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, तो ये जो हो गया आपका आई वन इक्वल टू जो हो गया, आई वन इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वन, ये देखिए ये टू है ना, ये टू यहाँ से प्रॉपर्टी से टू आया, टू ठीक है, इनटू यहाँ पे देखिए टू हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, वन बाय टू था, ठीक है। यहाँ से ये आया, ये डी एक्स के जगह पे वन बाई टू आ गया, तो ये जो हो गया वन बाय, ये वन बाय टू, वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू, ये जो हो गया आपका लॉग साइन टी, ये जो हो गया आपका डी टी हो गया, ठीक है। तो ये कटा, ये आई वन इक्वल टू क्या आ गया आपका, आई वन हो गया जीरो से लेकर पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी। अब देखिए गौर से देखिए, ये आई वन जो है वही आया, आई वन जो क्या आया, वही आया जो पहले आई था, देखिए जीरो से लेकर पाई बाई टू आई हो गया, यानी कि आई वन इक्वल टू क्या आ गया आप, आई वन इक्वल टू क्या, आई वन इक्वल टू आई हो गया। अब देखिए ये कहीं पे हम सी माने थे, ये देखिए यहाँ पे ये जो हो गया, यहाँ पे जो इक्वेशन सी में आप पुट कर दीजिए, सी में पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे टू आई इक्वल टू आई माइनस पाई बटा
पाई बाई टू लॉग टू, ये आई वन के जगह पर हम आई पुट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टू आई माइनस आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ठीक है। ये जो हो जाएगा आई टू आई माइनस आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए सबसे पहले मेन बात यहाँ पे है ना कि ये क्वेश्चन लंबा चला गया और भी शॉर्ट जा सकता है, क्योंकि हम फार्मूला और प्रॉपर्टी हम बताने लगे आपको, ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए, फिर लॉग का प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, फिर साइन का प्रॉपर्टी होंगे, ये सब हमको डील करना नहीं चाहिए था और हम कर दिए हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।